अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू तो माय यूट्यूब चैनल आई होप आप सब ठीक ठाक हैं खुशबाज हैं हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल की कलेक्शन और जैसे मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ तो आप लोगों ने वो वीडियो बहुत लाइक की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप इनकी मज़ीद कलेक्शन भी हमारे साथ शेयर करें तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ इनकी मज़ीद कलेक्शन शेयर कर दी जाए ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए रीज़नेबल कलेक्शन का और एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी लाइम लाइट से कंपेरिज़म किया था इनका लाइम

थर्टीन हंड्रेड की रेंज में मिलेगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनकी सॉरी क्वालिटी इनकी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अच्छी है ठीक है जी ये प्रमोशन पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है ये जस्ट मैं आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस से बना रही हूँ जस्ट आप लोगों आ, के बेनिफिट्स के लिए लाइक ये पेड प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ठीक है जी यहाँ पर अभी आपको मैं कुर्ते दिखा रही हूँ तो आज लास्ट मैंने वीडियो में प्राइस मेंशन नहीं की थी जस्ट मेरा तब कोई आइडिया नहीं था वीडियो अपलोड करने का इनकी तो मैं जस्ट ऐसे रैंडम अपनी शॉपिंग के लिए गई थी जस्ट एक फ़र्स्ट विजिट विज़िट था मेरा तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने फिर वहाँ पर शूट कर लिया तो उस टाइम पर फिर मैंने प्राइज़ इनकी जो है ना वो वीडियो में मैंशन नहीं की थी लेकिन आप लोगों ने वीडियो को पसंद इतना किया इतना लाइक किया कि मैंने सोचा कि अगेन इस पर बनाऊँ और इस दफ़ा मैंने इनकी जो डिटेल है ना प्राइस की, वो मैंने मेंशन की हुई है स्क्रीन के ऊपर जैसे ये टू पीस है जो कॉर्ड में बहुत ही खूबसूरत इसका देखें ट्राउज़र कितना खूबसूरत है और आप किसी फंक्शन पे पहने किसी पार्टी पे पहने जैसे भी आगे ईद आ रही है गर्मी होगी तो ऐसी हल्की फुल्की सी कलेक्शन जो है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है फिर इसी तरह से ये शर्ट देखें और ये इसका देखें पाइपिंग वगैरह फैब्रिक क्वालिटी सारा कुछ ठीक है क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हैं फैब्रिक रिलेटेड तो हर दफ़ा मैं ही आपको गाइड करती हूँ तो इसीलिए यहाँ पर ये देखें ये कलेक्शन भी बहुत अच्छी है ये भी जिकॉर्ड में और ये थोड़ी सी फ्रॉक की शेप में है लाइक इसकी जो आ, साइड से इसकी जो स्लीव्स हैं वो थोड़ी सी ओपन है और बाकी इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से ये क्या स्टफ़ है जो थोड़ा खाडी नेट और गेंजा टाइप होता है और गेंजा थोड़ी हॉट होती है थोड़ी सॉफ़्ट सी है मतलब इजीली ये फोल्ड हो रहा है कपड़ा तो इसकी ये टू पीस और इसी तरह से फिर आगे आ जाए तो यहाँ पर ये टू पीस भी इसी रेंज में है ट्वेंटी फोर नाइन्टी की रेंज में ठीक है और ये भी जो कॉर्ड स्टफ़ में है इसके ऊपर इस तरह से नेक बाजुओं के ऊपर डिजाइनिंग है फिर स्लीव्स के ऊपर डिजाइनिंग है और ये पॉकेट है इसकी डबल पॉकेट है दोनों साइड्स पे ये मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें ये इसकी पॉकेट की डिज़ाइनिंग है और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड्स पर पॉकेट है और ये इसका ग्रीन कलर में इसका साथ में ट्राउज़र है प्राइस मैं ऑलरेडी इसकी दिखा चुकी हूँ और मैं टैग के ऊपर भी आपको इसकी प्राइस दिखा देती हूँ ठीक है जिस स्क्रीन पर मैंने साथ साथ मैंशन की हुई है इनकी प्राइस इसी तरह से ये सिंगल शर्ट है और ये जितनी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो अभी सीज़न चल रहा है समर का मिड सीज़न है जैसे बहुत गर्मी भी नहीं है वैसे अब काफ़ी इलाकों में हो रही है ज़्यादा आगे रमज़ान में भी हो जाएगी तो ये लॉन के हैं सारे मतलब समर कलेक्शन ही है और इसी तरह से ये देखें ये भी शर्ट खूबसूरत है इसमें ये सारी टोटली एम्ब्रॉयडरी है जो ब्लैक कलर के फ्लावर हैं ये एम्ब्रायड्रेड है और नेक लाइन के ऊपर लेस है बाजों के ऊपर लेस लगी हुई है ये सारी इसकी डिज़ाइनिंग है अब इस तरफ आ जाएं तो ये शर्ट है जी जे कॉड स्टफ़ में और इसकी प्राइस भी ये सेम एज़ यूएल जैसे बाकियों की फोर्टीन हंड्रेड चल रही है और ये इसके नेक लाइन की डिज़ाइनिंग इसके स्लीवस की डिज़ाइनिंग फ्रंट से ये थोड़ी सी शर्ट ओपन है इसी तरह से ये शर्ट जो है जे कॉड स्टफ़ में है और इसकी प्राइस जो है वो है जी थर्टीन हंड्रेड और आप लोगों को फिर बताती चलूँ कि मैं इनको दूसरे ब्रांड से कंपेयर कंपेयर कर रही हूँ जस्ट इस वजह से क्योंकि इनकी प्राइस के हिसाब से और फैब्रिक क्वालिटी के हिसाब से ठीक है जी तो बस बाकी वीडियोस की तरह आज की वीडियो में भी यही कहूँगी कि हर बंदा ब्रांड नहीं पहन सकता और बस ये एक हमारी आज का सोच बनी हुई है तो जैसा भी जा रही है महंगाई हमें अच्छे कपड़े क्वालिटी के और अच्छे लुक वाले अगर हमें मिल जाएं और अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएं तो हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए तो आज बस मैं भी आप लोगों के साथ ब्रांड्स की थोड़ा थक गई कर कर के अपलोडिंग और सारी शेयरिंग और तो अभी मैंने सोचा कि कुछ इसे हट के भी होना चाहिए ताकि हर बंदे को फ़ायदा हो जाए बस वही जी खाडी की सेल और लाइम की सेल और गुल अहमद की सेल तो अगर आप भी इस पॉइंट से मेरे एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा तो फिर मैं इन ऐसे ही आ, हर डिफरेंट जगहों से मैं आप लोगों के लिए जो हमारे नेशनल ब्रांड्स उनकी वीडियो जो कि अच्छी क्वालिटी में हैं कपड़े वो भी मैं आप लोगों के साथ अपलोड करती रहूँगी ठीक है जी शेयर करती रहूँगी तो आप लोगों ने जस्ट मुझे बताना है कि ऐसा अगर आप लोगों के साथ किया जाए थोड़ा आप लोगों के लिए भी एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और मेरे लिए तो खैर होगा ही और मुझे अच्छा भी लगेगा कि मैं अपनी बहनों के साथ अच्छी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए फ़ायदे की चीज़ें शेयर कर रही हूँ ठीक है जी तो वो बस हम फिर इस तरह किया करेंगे कि कभी हफ़्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा आपको बाहर किसी दूसरी जगह का भी विज़िट करवा दिया किसी और ब्रांड का किसी दूसरी मार्केट का क्योंकि बहुत सारे नेशनल ब्रांड भी बहुत ही खूबसूरत हैं हम जस्ट कुछ लिमिटेड से ब्रांड हैं और उनके ऊपर हम एकदम से स्ट्रक हो के बस रह गए हैं इवन कि मैं खुद कहती हूँ कि मैं खुद यही प्रेफर करती हूँ कि बस ये हो गया खाड़ी की सेल लगी तो वहाँ से अपनी शॉपिंग कर ली क्योंकि आज आजकल जो है वो थोड़ा सा टेलर्स का भी होता है तो तो बस सिले सिलाई ले लिए तो लेकिन मुझे यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी लगी कलेक्शन इनकी तो जैसे ईद की शॉपिंग तो कर ली हुई थी पहले तो बस ये सोचा कि जिन्होंने नहीं की हुई उनको फ़ायदा हो जाएगा और लोकेशन का मुझे पूछते हैं सारे लोग लोकेशन का ये जितने भी आपको दिखा रही हैं समर कलेक्शन के हैं इसलिए मैं वीडियो के टॉपिक से हट के थोड़ा बात कर रही हूँ और प्राइस मैंने ऑलरेडी ऊपर मैंशन कर दी हुई है तो मैं ये बात कर रही थी कि लोकेशन की सारे बात करते हैं इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल में मैं खड़ी हूँ उनकी मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स उनकी क्लॉथिंग दिखा रही हूँ और ये आई थिंक कराची में भी है आपको सर्च करना होगा इस्लामाबाद में है और फैसलाबाद में है और मैं जहाँ की वीडियो अपलोड कर रही हूँ जैसे कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि मैं सिर्फ गोदा से बिलोंग करती हूँ तो मेरी सारी वीडियोज़ जितनी होती हैं ना वो इनकी मार्केट्स की होती हैं अपने सिटी की मार्किट्स की ठीक है लोकेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है आपको खुद भी आके यहाँ से बाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्लेक्शन है ठीक है जस्ट हमें खुद ये देखना होता है फैब्रिक क्या है क्या क्वालिटी है तो नेक्स्ट वीडियो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ जेंट्स की इनकी वरायटी शेयर करूँ इंतहाई अच्छा फैब्रिक है बहुत ही खूबसूरत और जेंट्स की वैरायटी मैं शेयर करूंगी और कंपैरिजन करूंगी अलकरम से क्योंकि मैंने भी चंद दिन पहले अपने हस्बैंड की शॉपिंग की है जब ये इसकी ओपनिंग नहीं थी हुई हुई अलकरम से तो आप यकीन करेंगे मैं बल्कि आपको दिखाऊंगी जो हमने शॉपिंग की है उससे आप कह लें कि फिफ्टी परसेंट इनका फैब्रिक मुझे अच्छा लगा और यहाँ से जो हमने सूट लिया वो एटीन हंड्रेड का था और वहाँ से मैंने ऑफ़ में सूट लिया था यानी कि वहाँ पे ऑफ़ चल रहा था तो 3200 का वहाँ से लिया था 40 परसेंट ऑफ़ में और उसका फ़ैब्रिक बस सो सो है यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा और एक दफ़ा हमने उसको वॉश भी करके चेक किया तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और मैं इन शोकों के साथ लाजमी शेयर करूँगी और तेरह सौ चौदह सौ नौ सौ इस रेंज में जेंट्स के सिले सिलाई अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं जिसे हम कहते हैं ना अच्छी क्वालिटी के वो कपड़े हैं ऐसे नहीं हैं कि बस इस रेंज में कोई अच्छा सा गंदा सा फैब्रिक हो गया ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं आपको वीडियो में भी फ़र्क नज़र आएगा जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बस आज थोड़ा टाइम कम था तो मैंने जस्ट आपको इनकी कलेक्शन दिखा दी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है जेंट्स की कलेक्शन वाली वीडियो भी तो ये सारी मैंने आज आपको लेडीज़ की दिखा दी है इसी तरह से ये देखें ये टू पीस है लॉन्स स्टफ में इसका प्रिंट देखें कितना खूबसूरत है कंट्रास्ट इसके साथ शॉकिंग पिंक कलर में इसका मैचिंग ट्राउजर है और स्लीव्स की डिजाइनिंग भी बहुत ही खूबसूरत है और इस तरह से ये इसकी शर्ट की सारी शेप बनी हुई है लेस लग के ठीक है जी तो आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी इन नेक्स्ट में आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ डिफरेंट जगह की डिफरेंट लोकेशन की ऐसी वीडियोज़ जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मिल रही कम प्राइस में शेयर करती रहूँगी दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज